हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीएमए गौरव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आई प्लैब ज्ञान में। ये सब जानते हैं आई प्लैब ज्ञान यूट्यूब पे वीडियोस लेके आता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती है अकाउंटिंग टैक्सेशन आरओसीज वगैरह के ऊपर में। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे बताने जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए जैसे आप जानते हैं कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते हैं जीएसटी के अंदर एज ए टैक्स पेयर या किसी, तो जीएसटी फिर उसको चेक करती है और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आपको मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देती है। उसमें आपको उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो जीएसटीएन पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आप वो सारे वीडियो देख पाएँ जो आपके ज्ञान के लिए है। तो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं gst.gov.in पे। वहाँ पे हमने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो हमने यहाँ जाके लॉगिन किया था। अब हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है, डिपार्टमेंट ने हमें यूजर आईडी पासवर्ड फर्स्ट एलोकेट किया है जिसको हमें यहाँ पे जाके लॉगिन करना होता है। ये हमारा मेन लॉगिन पोर्टल भी होता है जहाँ हम जाके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका ये विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आप देखोगे यहाँ लिखा है यूजर नेम और पासवर्ड। जब आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, और एक ईमेल आती है, वो ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जिसमें आपको दिया जाता है, डियर नटराजन, दिस इज योर जीएसटी नंबर इज दिस, योर लॉगिन क्रेडेंशियल आर एज अंडर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब अगर हम ये यूजर नेम और पासवर्ड अगर यहाँ इंटर करें तो ये नहीं खुलेगा। आपको अगर अपना सबसे पहला बार आप अगर यूजर नेम बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट टाइम लॉगिन यू आर लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब एक नया विंडो खुलता है जिसमें बोलता है न्यू यूजर लॉगिन, जहाँ पे अपना आपको प्रोफेशनल आईडी जो कि आपका जीएसटीआई नंबर जनरेट हुआ है या जीएसटीआई नंबर जो जनरेट करके डिपार्टमेंट दिया है वो आपका यूजर आईडी होता है और पासवर्ड जो डिपार्टमेंट ने आपको दे रखा है। तो अगर मैं देखूँ तो हमें डिपार्टमेंट ने जो यूजर नेम दिया हुआ है, ठीक है, वो मेरा यूजर नेम है, ये मेरा जीएसटीआई नंबर, ठीक है, और जीएसटीआई नंबर का मेरे को उसका पासवर्ड दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं 07FIT PS 3412 N1ZN1ZH, ठीक है। जो पासवर्ड आपको डिपार्टमेंट ने दिया है वो पासवर्ड ये वाला जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड जैसे 4814 1FF C 86, उसके बाद इंटर करने के बाद डालेगा अपना कैप्चा, ठीक है। ये डालने के बाद आप लॉगिन करते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे, सॉरी दोस्तों ये शायद गलत नंबर डल गया, ठीक है, हम डालते हैं 4814 1FF C 86 7816 78, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन खुल गया। अब यहाँ बोल रहा है आपका प्रोविजनल आईडी जो डिपार्टमेंट ने इशू किया था उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, अब न्यू लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना है आपको, ठीक है। न्यू यूजर यहाँ पर कहा कैंडली प्रोवाइड द बिलो इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड न्यू यूजर नेम एंड न्यू पासवर्ड एंड द रीकन्फर्म द पासवर्ड। आपका पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो जो कि कैरेक्टर्स इसका होगा यूजर नेम का 8 to 15 कैरेक्टर का होगा, विच स्टार्ट विद द अल्फाबेट अल्फाबेट शुड कम्प्रोमाइज ऑफ अल्फाबेट एंड कंटेंट नंबर स्पेशल डॉट अंडरस्कोर और हाइपन। आप अपना यूजर नेम कुछ बना सकते हो। सपोज करो मैं इसका बंदे का नाम नटराजन है, ठीक है, तो मैंने नटराजन, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ने मेरा अपना नाम है, ठीक है, नटराजन 1 2 3 4 बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका पासवर्ड बनाता हूँ। जो भी आपको पासवर्ड चूज करना है वो आप 8 to 15 कैरेक्टर के बीच में अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने इसका बनाया एन ए, जो भी बनाए,
ये मैंने बना लिया, जो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे यही पासवर्ड आप रिकन्फर्म करेंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट करते हैं। जैसे आप इसको सबमिट करोगे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज सक्सेसफुल क्रिएटेड, काइंडली लॉग इन यूजर यूजिंग दिस क्रेडेंशियल। ठीक है, जो भी आपने अपना यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब आप जाके यहाँ पे इसको लॉग इन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन पोर्टल जो मेन पोर्टल है, जब आप अपना जब भी काम करोगे जीएसटी के ऊपर, चालान पेमेंट करनी है, रिटर्न्स फाइल करना है, वो आपका यहीं से होगा। जैसे आप देख सकते हो ये पर्सन का नाम है, उसका जीएसटी नंबर है। ठीक है, यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड, अब मुझे हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जैसे आप जान रहे हैं हमारी क्लास आज थी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, नया यूजर कैसे बनाते हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप सर्विसेज के टैब में जाते हो, वहाँ पर आपके पास एक टैब है यूजर सर्विसेज का। यूजर सर्विसेज टैब पे जाएंगे और यूजर सर्विसेज पे जाके आप क्लिक करेंगे व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट के लिंक पे। जैसे आप व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट के लिंक पे क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसे देख लो, GSTR रजिस्ट्रेशन 06, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू 13/8/2018 और डाउनलोड, इसमें मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। उसे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ। दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका हुआ है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फर्स्ट, ये आपका रजिस्टर नंबर होता है, ये आपकी लीगल नेम होती है, ये बिजनेस का नेम होता है, यहाँ पे आपका कंडीशन होता है, यहाँ पे आपकी एड्रेस होती है, जिस एड्रेस पर रजिस्टर कराया, जिस डेट से आपने इशू कराया, जिस पर्सन ने आपका अप्रूव कराया उसकी डिटेल होती है। ठीक है, फिर आपकी बेसिक डिटेल है यहाँ पे, और उसके बाद थर्ड पेज आपका सेम डिटेल, एंड देन आपका प्रोप्राइटर का फोटो अलॉन्ग विथ उसकी डिटेल। ये हमारा सर्टिफिकेट है जो हमने डाउनलोड के लिए, जिसको आप सेव कर सकते हो अपने फ्यूचर्स के लिए। तो दोस्तों अब हमने सीख लिया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब हमने डिपार्टमेंट नेम ने अप्लाई किया और डिपार्टमेंट ने हमें यूजर नेम प्रोवाइड किया, उस यूजर नेम को यूज़ करके हम कैसे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, यूजर नेम हम कैसे क्रिएट करेंगे, पहली बार हम जब अपना यूजर नेम क्रिएट करते हैं कैसे यूजर नेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने तो इसको आज लॉग आउट कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए जीएसटी के ऊपर में, अकाउंटिंग्स के ऊपर में, टैक्सेशंस के किसी टॉपिक के ऊपर में, हम वो वीडियो जरूर लेके आएंगे आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।